हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट टू इमिसिबल जो आपके लिक्विड्स होते हैं उनका हम कैसे वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा वो आपको। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, चलिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए हमने गैसीय स्टेट में पढ़ा था आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है? जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है। ठीक है, और नॉन आइडियल गैस कौन सी होती है? जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होंगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम प्रेशर निकालते हैं किसी भी वेपर का, तो देखिए मान लो ये मैंने कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने फिल किया आपका लिक्विड। क्लियर है, इस लिक्विड में आपके पास दो कंपोनेंट है, ए और बी। ठीक है, सपोज कीजिए ए के 2 मोल है और बी का आपके पास 3 मोल है। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों की क्या बनेगी? वेपर्स फॉर्म होगी। ठीक है, ए की भी बनेगी और बी की भी बनेगी। क्लियर, इसका पार्शियल प्रेशर अगर हम माने, मान लो ए का हम पार ये प्योर ए का प्रेशर पी नॉट ए अगर हम मानते हैं, मान लीजिए 50 mm Hg। ठीक है, और बी के लिए अगर हम माने पी नॉट बी हमने मान लिया, मान लो 60 mm Hg। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मैनोमीटर से हम एसोसिएट करते हैं। ठीक है, और जब हम इसको मैनोमीटर से एसोसिएट करते हैं तो इस टाइप की आपकी एक ट्यूब रहती है मैनोमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हम वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। और मान लो जब हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं तो यहाँ पर इतना आपका क्या आ जाता है, डेविएशन आ जाता है, यहाँ पर कुछ हाइट अटेन होती है। ठीक है, जिससे हम क्या मानते हैं आपका वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो अगर हम वेपर प्रेशर निकालें सॉल्यूशन का, क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है, यहाँ अगर हम राउल्ट लॉ के हिसाब से प्रेशर निकालेंगे कितना आ रहा है, पी नॉट ए 50 × mole fraction होगा 2/5 प्लस पी नॉट बी 60 × mole fraction 3/5। ठीक है, 5 × 5 कितना होगा, ये आपके पास 10, 5 से जाएगा 10 × 2 दैट इज 20 प्लस ये जाएगा आपके पास 12 × 3 दैट इज 36। तो अपने पास जो प्रेशर आएगा दैट इज 56 mm राउल्ट के हिसाब से। क्लियर है, ये तो था अपने थ्योरेटिकली इतना आना चाहिए। अब मान लो हम इसका प्रैक्टिकली करें और ऑब्जर्व करें प्रेशर को, और वो ऑब्जर्व प्रेशर आपका 56 mm आ जाता है। कितना आ जाता है? 56 mm आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पी राउल्ट है, अगर हम इसको पी एस की जगह पी आर लिखें, प्रेशर वेपर प्रेशर राउल्ट्स के फॉर्मूले के हिसाब से, वो इक्वल आ जाता है किसके, आपके पी ऑब्जर्व के, जो हमने ऑब्जर्व किया। दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और ये किसके इक्वल हो गया? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इस कंडीशन में ये आपके कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये इसको इक्वल नहीं आता है, पी आर इज नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व, तभी आपका क्या कहलाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इस केस में आइडियल, इस केस में आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेम उसी की तरह है। क्लियर है, इसको चाहो तो आप नोट करके लिख सकते हो।
बाकी मैं आगे लिखवा देता हूँ आपको आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। चलिए अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन को, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, जो आपके हर कंपोजिशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब इनके लिए जो आपका पी राउल्ट्स होगा वो पी ऑब्जर्व के बराबर होगा, और P ऑब्जर्व किसके बराबर होगा, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। ये कंडीशन है तो आपके वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। सिंपल सी चीज है, सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल कंपोजिशन। क्लियर? सिंपल सी चीज है। तो देखिए पी आर विल नॉट इक्वल बी पी ऑब्जर्व, ये इस कंडीशन में होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी वो आपके क्या है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब इसमें दो केस बनते हैं, ठीक है, या तो पी आर पी ऑब्जर्व से ज़्यादा हो सकता है या फिर पी ऑब्जर्व से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो उसके बेसिस पर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी दो टाइप में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नोट करता हूँ, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर कैटेगराइज इन टू टाइप्स। फर्स्ट में क्या होगा, जो आपका फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो पी ऑब्जर्व अगर आपका ग्रेटर देन है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जर्व प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, वहीं अगर आपका ऑब्जर्व प्रेशर लेस देन होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको एक बार डिफाइन कर देते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं आपका आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। चार्ट फॉर्म बनेगा यहाँ पे, और नॉन आइडियल में भी दो केस बनते हैं, एक होता है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है आपके पास नेगेटिव डेविएशन, क्लियर है ना। क्लियर। चलिए देखिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस जैसे हमें पता है वो सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पर P ऑब्जर्व जो है वो किसके इक्वल होता है, P राउट के बराबर होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल होता है, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, जहाँ पर P राउट इज नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व, ठीक है, नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए नॉट इक्वल टू प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जब आपका P ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी होगा। और नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब P ऑब्जर्व इज लेस देन P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी होगा, क्लियर है। चलिए तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर तीन टाइप के फोर्स जो है सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर आपके तीन टाइप के फोर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, जो सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, और दोनों का क्या प्रेजेंट है, मिक्सचर प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो तीन टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स, या फिर आप इनको इंट्रैक्शन भी बोल सकते हो, इंट्रैक्शंस आर वर्किंग हियर, ठीक है। फर्स्ट होता है आपके पास ए ए टाइप, मतलब ए मान लो अगर सोल्यूट है तो सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो आपका ए ए टाइप का इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। एक होगा आपके पास बी बी टाइप का इंट्रैक्शन, और एक होगा जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में लगेगा, और एक होगा आपके पास ए बी टाइप इंट्रैक्शन जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर ये आपका मान लो आइडियल सॉल्यूशन है, इसकी यहाँ वेपर्स बन रही है, ठीक है, तो अगर आइडियल सॉल्यूशंस है तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पी ऑब्जर्व किसके इक्वल है, पी राउट के इक्वल है, और जो किसके इक्वल है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा इसलिए बोल सकते हैं, या अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ए ए ए बी बी और ए बी तीनों टाइप के जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, आपके सेम है, उनमें कोई भी एक ज़्यादा है एक कम है ऐसा कुछ नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन है, पी ऑब्जर्व किसके इक्वल है, पी राउट के, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके जो इंट्रैक्शंस हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इंट्रैक्शन फॉर आइडियल सॉल्यूशन अगर हम केस लें तो वहाँ पर ए ए टाइप या फिर
ए बी टाइप जो इंट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा, ए ए टाइप के इंट्रैक्शन के, और ये भी इक्वल होगा किसके, बी बी टाइप के इंट्रैक्शन। मतलब इनमें कोई ऐसा फोर्स किसी में ज़्यादा है किसी में कम है ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल आइडियल कंडीशन रहेगी। ए ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है सेम टाइप का बी बी टाइप के बीच में इंट्रैक्शन रहेगा, और सेम टाइप का ए बी टाइप के बीच में क्या रहेगा, आपका इंट्रैक्शन रहेगा। ये हुई आइडियल की कंडीशन। अब मान लो चलें हम किसके केस में, पॉजिटिव डिवीजन के केस में। मैंने क्या किया, ये फिर से कंटेनर लिया उसमें लिक्विड फिल किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आया अपने पास वेपर प्रेशर आया, ठीक है, यहाँ पर जो पी ऑब्जर्व है वो ग्रेटर देन है किससे, पी राउट से, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना आपका वेपर प्रेशर बनना चाहिए था उतना ही वेपर प्रेशर यहाँ पे बना है, राउट के हिसाब से और ऑब्जर्व के हिसाब से दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए और बी ये मान लो है, ठीक है, इनकी अगर वेपर्स बनी है यहाँ पर ए और बी की, लेकिन जो ऑब्जर्व है वो आपकी ज़्यादा है किससे, राउट्स के हिसाब से। इसका मतलब अगर आपका ऑब्जर्व प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर वेपर्स भी ज़्यादा बनी होगी। आइडियल से मैं कंपेयर करूँ तो ए और बी ये, ठीक है, जितना राउट के हिसाब से वेपर प्रेशर आना चाहिए उतना ही ऑब्जर्व आ रहा है, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो राउट के हिसाब से जितना आना चाहिए ऑब्जर्व का उससे ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी की जो वेपर्स बन रही है वो ज़्यादा बन रही है इसके कंपेरिजन में, तभी वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अगर वो ज़्यादा बन रही है इसका मतलब ये ए और बी के जो बीच का जो बॉन्ड है जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक है। क्यों, क्योंकि वीक है तभी ये ईजिली ब्रेक होता है, और ए की और बी की वेपर्स आपकी क्या बनती है, ज़्यादा फॉर्म होती है। बस यही चीज़ है कि अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो उस केस में क्या होगा आपके पास, ये तो हमने लिख ही लिया, जो आपका ए बी टाइप का अट्रैक्शन होगा इंट्रैक्शन वो क्या होगा आपका, वीक होगा, मतलब लेस देन होगा किससे, ए ए टाइप एंड बी बी टाइप। इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी टाइप इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन आर वीकर देन ए ए टाइप एंड बी बी टाइप इंट्रैक्शन, क्लियर है, इस तरह से देख सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए, चलिए देखिए नेगेटिव डेविएशन के लिए अगर हम बात करें, ये हमने फिर से क्या किया, ये बनाया, यहाँ पे आपका ए बी सॉल्यूशन हो गया, मिक्सचर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर भी वेपर्स बनेगी, और यहाँ पर क्या है जो पी ऑब्जर्व है वो क्या है, लेस देन पी रोल, मतलब रोल के हिसाब से आना चाहिए 100 mm प्रेशर, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 80 mm। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेपर्स कम बन रही है, क्लियर है, और वेपर्स कम बन रही है क्यों, या अगर वेपर्स कम बन रही है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए बी टाइप का इंट्रैक्शन है इनके बीच में ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। वीक होता तो ये जल्दी ब्रेक होके आपका क्या बनता, वेपर्स बनती, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए इनकी वेपर्स क्या है, कम बन रही है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि आपका ए बी टाइप का जो इंट्रैक्शन है इट इज़ स्ट्रोंगर देन ए ए टाइप एंड बी बी टाइप, क्लियर है। लैंग्वेज फॉर्म में आप चाहो तो लिख सकते हो ए बी टाइप इंट्रैक्शन इज स्ट्रोंगर देन ए ए टाइप एंड बी बी टाइप इंट्रैक्शन, क्लियर है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो डिफरेंशिएट करती है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को इंट्रैक्शन के हिसाब से, क्लियर है, इसे नोट कीजिए। फिर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम कुछ और
इसी से रिलेटेड डिफरेंस है, उनके बारे में बात करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग तो वो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने 50 ml ए लिया और 50 ml बी लिया। ठीक है, तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml आइडियल सॉल्यूशन के केस में। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम में चेंज वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम इसके लिए बात करें पॉजिटिव वाले के लिए, तो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है आपका ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव डेविएशन के लिए बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है यहाँ पर वो क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। क्लियर है। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पर डेल्टा एस के लिए, किसके लिए, या फिर डेल्टा एच की अगर हम बात करें, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होता है, आइडियल केस अगर हम लेते हैं तो उसके लिए होता है जीरो। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब एनर्जी में चेंजेस, एंथैल्पी में चेंजेस। अब आपके पास ए ए बी बी और ए बी सारे टाइप के जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, बराबर है। तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने या नया बॉन्ड फॉर्म होने में जो एनर्जी का चेंजेस होता है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स क्या हैं आपके, सिमिलर टाइप के हैं। सिमिलर टाइप के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और सिमिलर टाइप के बॉन्ड ही फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो डेल्टा एच का मिक्सिंग कितना होता है, जीरो। वहीं अगर हम पॉजिटिव के लिए बात करेंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए बी टाइप के जो बॉन्ड हैं वो क्या हैं, वीक हैं। ए बी टाइप के बॉन्ड हैं वीक हैं, और ए ए और बी बी टाइप के बॉन्ड क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो आपका ए बी बनेगा। अब आपको इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इन अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, लेस देन जीरो कब होगा, नेगेटिव डेविएशन के केस में, डेल्टा एच लेस देन जीरो मिक्सिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए बी जो बॉन्ड है टाइप का वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीक बॉन्ड है तुरंत ब्रेक होके किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। तो जब भी वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होते हैं आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा आपके, नेगेटिव होगा। यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। आप लिख भी सकते हो एस ए बी टाइप बॉन्ड या इंट्रैक्शन इज वीकर एंड ए ए, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एस ए ए टाइप एंड बी बी टाइप इंट्रैक्शंस या बी बी टाइप बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। Then AB type bond, ठीक है। सेम इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हो कि S AA type and BB type bonds are क्या है, आप weak कर रहे हैं तो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे ताकि वो strong bond बना सके। आर यहाँ क्या था आपका, मोर स्ट्रॉन्गर था, यहाँ क्या आएंगे, वीकर। देन ए बी टाइप बोन, क्लियर है, ध्यान रखना, याद रखना, देखो आसान है। डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो होता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव वॉल्यूम। डेल्टा एच आइडियल के लिए केस में जीरो, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव।
सिंपल सी चीज़ है, यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। डेल्टा एच और डेल्टा बी में कोई ज़्यादा आपका डिफरेंस है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके दो पॉइंट है ये तो आप नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी मिक्सिंग जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। किसके केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। एनर्जी में चेंजेस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ज़ीरो नहीं लेंगे हम, ज़ीरो तो कभी होगा ही नहीं, गिब्स एनर्जी में चेंज ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना। लेस देन ज़ीरो, ठीक है, मतलब नेगेटिव होती है कुल मिला के, क्योंकि रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो डेल्टा जी तीनों केस में आपके रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, इंट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब तीनों केस में क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, पॉसिबल है, इसलिए डेल्टा जी जो होगा हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा तीनों के केस में। डेल्टा जी मिक्सिंग यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा। और फोर्थ यहाँ पर डेल्टा जी मिक्सिंग ये भी क्या होगा आपका, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डेल्टा एस के लिए, किसके लिए, डेल्टा एस के लिए, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा एस की बात करें, तो देखिए सभी में ए ए और बी बी आपस में मिक्स होके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, मतलब रेंडमनेस जो है वो रिएक्शन या आपके जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो रेंडमनेस बढ़ रही है, ठीक है, और वो हर एक केस में बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा वो सभी के केस में क्या होना चाहिए, क्योंकि रेंडमनेस बढ़ती है तो डेल्टा एस क्या होता है, बढ़ता है, ज़्यादा होता है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग होगा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर भी डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर भी डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं जो आपके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में है, इस एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। इसके अलावा हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को उनके जो ग्राफ्स हैं, कर्व जो हमने बनाए थे, उनके बेसिस पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का अलग, नेगेटिव का अलग, और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जो हमने देखा था वो कल वेपर प्रेशर वाला, वेपर प्रेशर और आपका मोल फ्रैक्शन का जो कर्व था, वो तीनों के केस में क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर वो सब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।